नमस्कार, इंटरटैप न्यूज में आपका स्वागत है। मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण व कब्जा नहीं रोका गया तो कायस्थ समाज करेगी क्रमिक अनशन। बलिया अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के संरक्षक दयाल सर वर्मा के नेतृत्व में जनपद बलिया के भगु आश्रम स्थित चित्रगुप्त मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण को लेकर कायस्थ महासभा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्य रूप से चित्रगुप्त मंदिर की भूमि पर अवैध निर्माण भूमाफियाओं द्वारा कब्जे को लेकर कायस्थ समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। अवैध निर्माण को लेकर संगठन के संरक्षक दयाल सर वर्मा ने ज्ञापन में प्रशासन को चेतावनी दी है। मंदिर की भूमि पर अवैध निर्माण भूमाफिया द्वारा किया गया कब्जा प्रशासन द्वारा नहीं हटाया गया तो 18 अक्टूबर को कायस्थ महासभा के पदाधिकारी एवं दर्जनों सदस्य जिला अधिकारी कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि अगर प्रशासन इस पर भी कार्रवाई नहीं करता है तो हम आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। इसी क्रम में श्रीनगर के प्रधान ओपीलाल श्रीवास्तव ने भी समर्थन किया है। प्रधान ओपीलाल श्रीवास्तव ने मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर निर्माण जिला प्रशासन को दोषी ठहराते हुए कहा है कि अगर प्रशासन भूमाफियाओं पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करती है तो हम कायस्थ समाज के लोग क्रमिक अनशन करेंगे। इससे भी प्रशासन नहीं सुनता है तो हम आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। हाँ, ओपी श्रीवास्तव पूर्व प्रधान श्रीनगर द्वाबा बैरिया। क्या मामला है सर जी, बताएं। मामला यह है चित्रगुप्त मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है अवंछनीय तत्वों द्वारा। कायस्थ महासभा के आदरणीय संरक्षक आदरणीय दयाल शरण वर्मा जी उस पर जो है हस्तक्षेप किए, नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ ज्ञापन देने का काम किए, उसके बाद पत्र दिया गया नगर मजिस्ट्रेट द्वारा, स्थगन आदेश पारित किया गया। उस समय दीवार 4 फुट की थी, नगर मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण किया गया, उस समय दीवार 4 फुट थी, आज 11 फुट की हो गई है। ये पुलिस की रवैया, जाफलीगंज पुलिस इंचार्ज की रवैया बिल्कुल जो है अशोभनीय है और निंदनीय है। कौन चौकी इंचार्ज है? 26 वर्ष करता है, निंदनीय है। पुलिस चौकी इंचार्ज के बदौलत ये दीवार आज 11 फुट जा रही है। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयास करने के बावजूद भी पुलिस चौकी इंचार्ज मनमाने ढंग से अपने रवैये पर, गलत रवैये पर जो है बाज नहीं आया। आदरणीय दयाल शरण वर्मा आज भी कायस्थ महासभा के संरक्षक आज भी अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, और हम लोग कायस्थ महासभा के आप सेनापति हैं, संरक्षक हैं, और छत सा आपके आदेश का पालन है। आने वाला 18 तारीख को हम लोग क्रमिक अनशन बलिया DM ऑफिस के सामने धरना देने जा रहे हैं। क्रमिक अनशन पर मैं स्वयं बैठूंगा, मेरा नाम ओपी श्रीवास्तव है। अगर इसमें जिला प्रशासन अगर अपनी रवैया सही करती है और हुए अवैध निर्माण अवंछनीय तत्वों की गिरफ्तारी अगर होती है तो मेरी मांग पूरी होगी, वरना आगे आने वाले दिनों में आदरणीय दयाल शरण वर्मा के नेतृत्व में आमरण अनशन इसी बलिया कलेक्ट्रेट के सामने प्रांगण में आमरण अनशन पर मैं स्वयं बैठूंगा, और आत्मदाह मैं ओपी श्रीवास्तव स्वयं अपना करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए ये चित्रगुप्त जी का मंदिर है, ये बलिया की धरती है, ये चंद्रिका बाबू की धरती है, मुरली बाबू की धरती है, और बलिया जनपद ये जयप्रकाश नारायण की धरती है। जयप्रकाश नारायण के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है और न्याय की लड़ाई लड़ना है, अन्याय बर्दाश्त नहीं करना है। ये हमारे चंद्रशेखर जी कहते थे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य। सर क्या मामला बताएं? सर ये मामला ये है कि बलिया का जो चित्रगुप्त मंदिर है या चित्रगुप्त मंदिर, इसमें कुछ असही तत्व असामाजिक तत्व पक्का मकान बना रहे हैं। इसकी शिकायत में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन कर दिया हूँ, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि पता न क्या सिस्टम है कि शिकायत करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज वो लिंटर तक दीवार पहुंच गई है। हो सकता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, मीडिया के सामने हम वार्ता कर रहे हैं, हो सकता है कि कल वो लिंटर करते पक्का मकान बना ले। आपने थाने चौकी कहीं कहा बताया? मैंने चौकी इंचार्ज कोतवाल साहब के यहाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ मैं लेटर भेज चुका हूँ। अब ये लोग लेटर पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो मैं 18 तारीख से बलिया की काय समुदाय सड़क उतरने जा रही हूँ।
और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हम कार्मिक अनशन करेंगे। अगर हमारी बात कार्मिक अनशन पर नहीं सुनाई होगी तो हम आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन पर नहीं होगी तो हमारे कुछ साथी आत्मदाह करने के लिए भी अपनी तैयारी कर चुके हैं।